वहाँ शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराबियों का शहर, राशन डिपो का शहर नहीं, शराबियों का शहर। और ये कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं, मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन कॉर्पोरेटरों को जिनको वार्डों के अंदर दुकानें खुल रही हैं। ये पक्का डंगा के अंदर, ये हमारा ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ से छड़ी यात्रा मचेल माता की निकलती है, उसकी चौथी दुकान डिप्टी कमिश्नर महोदय एक्साइज कैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, जब आपकी सरहदों के अंदर लिखा हुआ है कोई रिलीजियस प्लेस, कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इसके पास दुकान नहीं खुलने पाएगी। और आप धड़ाधड़ राशनों की दुकानें कम हैं और शराबियों की दुकानें ज़्यादा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के लोगों को शराबियों का शहर बनाएंगे, जो मंदिरों की शहर की परिपाटी है उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए कमिश्नर एक्साइज आपको चेतावनी दे रहा हूँ, और जितने भी लोग इस शराबियों की दुकान के साथ वाबस्ता हैं उनसे कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जब म्यूनिसिपैलिटी के कॉरपोरेटर वहाँ हैं, कॉरपोरेटर से क्यों नहीं पूछा गया, कॉरपोरेटर ने किस तरह से परमिशन दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे लिया गया, ये जांच का विषय है। और कॉरपोरेटर को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी कॉरपोरेटर ने धार्मिक स्थल के पास अपने साइन किए होंगे तो याद रखो उसके घर के बाहर धरना दूंगा। और ऐसे ऑफिसर जो नेग्लिजेंस करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के बाहर खोलने का प्रयास करेंगे उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्रीमान एलजी महोदय, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नीचे मंदिरों को, शहर को शराबियों का शहर बना रहे हैं, इसके विषय के अंदर आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और ये जो लोग डिपार्टमेंट के नो ऑब्जेक्शन कहाँ से आया, ये जांच का विषय है, और इसके विषय के अंदर आपको जांच। भैरव मंदिर के पास बिल्कुल चार कदम में दुकान बनी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए ये कहूँगा कमिश्नर की आंखें बंद है, एक्साइज कमिश्नर ने पैसे खाए हैं, डीसी एक्साइज ने पैसे खाए हैं, और पैसे खा करके आंखें बंद कर दी हैं। अब उनकी आंखें जनता खोलेगी, और ये जनता जिसने एक दुकान लूट ली, इस तरह का वातावरण कोरोना के समय, युद्ध के समय, जब कोरोना से सारी हमारी अटेंशन लड़ने की है, कल लोगों ने दुकानें लूट ली, क्या यही चाहता है एक्साइज डिपार्टमेंट? इसका मतलब ये है ये जो धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं उसको बंद करने का प्रयास होगा। श्रीनगर के अंदर चार दुकानें, जम्मू के अंदर 203 दुकानें, इसमें भेदभाव क्यों है? जम्मू के अंदर भी चार रखो, श्रीनगर में भी चार रखो, ताकि सबके लाइसेंस कैंसिल करो। और किसी मंदिर के बाहर होगा बर्दाश्त नहीं करूँगा। कमिश्नर एक्साइज और डीसी एक्साइज से कहना चाहता हूँ, अब तुम्हारा नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर कॉरपोरेटरों का है, जिनको अगर उन्होंने अनुमति दी है उनके घर के बाहर धरना दूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। जम्मू के शहर को शराबियों का शहर बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, 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 बंद करो। जम्मू शहर में शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, 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 बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, 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 बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करो, 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 बंद करो।